नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पालित और रोजाना हम कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्थ टिप्स लेकर आते हैं। आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा दिख सकते हैं और साथ में स्ट्रांग भी बन सकते हैं। आज जिस पर हम बात करेंगे वो एक बॉडी का बहुत अहम पार्ट तो है ही, लेकिन साथ ही वो आपकी ब्यूटी को भी इन्हांस करता है, यानी कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है उसको भी इन्हांस करता है। जब आप कपड़े पहनते हैं या फिर आप जनरली कभी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को। जी, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके आर्म्स की, ख़ास तौर पर जो फोर आर्म्स हैं आपके, फोर आर्म्स। ये कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग जैसे अपने बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फोर आर्म्स को जब कई बार तो ना फोर आर्म्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है कई बार, लेकिन ओवरऑल जब आप वर्कआउट करते हैं तो सब चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेकिन सोचिए कि आपने सोचा कि आज मैं बाहर जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल देखिए मेल और फीमेल दोनों ही वर्कआउट करते हैं और लगभग उनके आप देखिएगा कि जो वर्कआउट करने का तरीका होता है जिसमें ख़ास तौर पर जो वेंस होते हैं, वेंस जो विजिबल होने चाहिए, जैसे जो वेंस है, ये वेंस जो है आपके विजिबल हों, क्योंकि जब वेंस आपके से विजिबल होते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी टी शर्ट पहनेंगे या फिर जैसे आप कहते हैं ना कि बू शर्ट जैसे बोलते हैं, यानी कि फुल बाजू का नहीं हाफ बाजू का, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक लुक अच्छी निकल कर आती है, आपके आर्म्स अच्छे लगते हैं। खासतौर पे गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादातर हम टी शर्ट ही पहनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आई थिंक जो बॉयज़ द मैन ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा इस पर नज़र रखते हैं कि मेरे आर्म्स या फिर मेरे फोर आर्म्स कैसे लग रहे हैं। वैसे इसको करने के लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा वो तो देखने में आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हम करते ही हैं, लेकिन क्या है कि जो हम करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपके इस एरिया में ही इफेक्ट करता है, खासतौर पर आपके फोर आर्म्स पे सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, साथ ही आपके रिस्ट और आपके किस पे पाम्स में यहाँ पर। और ये शुष्क व्यायाम होते हैं इसमें छोटे छोटे, और कुछ इसमें आपको दंड जैसे भी कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे कि आप अपने फोर आर्म्स को, एक तो है कि उसके लुक को इन्हेंस कर देंगे और आपके जो वेंस पॉपिंग आप जो लुक चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही आपके ये मजबूत भी बनाएगा फोर आर्म्स को, आपके रिस्ट को और साथ ही आपके पाम्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल है जिसमें आपके पाम्स का इस्तेमाल होना है, और बेसिकली इसमें ग्रेविटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो पुल करती है उससे ही आपके प्रेशर पड़ता है फोर आर्म्स पे। और ये देखिए कैटेगरी का आप देखेंगे तो ये शुष्क व्यायाम के ही कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए और हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए, स्ट्रेट आपके हाथ हो गए, एक टी पोस्चर बन गया आपका, सीधा आपको देखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और उसके बाद अपने ये देखिए कलाई का इस्तेमाल करना है और साथ ही इसको नीचे, यानी कि पाम्स को नीचे कीजिए फिर ऊपर कीजिए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। अगर आप इसको एक मिनट तक कर सकते हैं तो एक मिनट तक कीजिए, शुरुआत में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ब्रेक लेके कीजिए, लेकिन ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट से आपके फोर आर्म्स पे आपको प्रेशर महसूस होना चाहिए, कि थोड़ी देर आप जब रखेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो महसूस होगा आपको फोर आर्म्स पे जो आपको स्ट्रेस महसूस होगा, जो खिंचाव महसूस होगा, वही आपके लिए ज़रूरी है, वही आपके फोर आर्म्स को स्ट्रांग बनाएंगे, और आपके जो वेंस वहाँ से गुजर रहे हैं फोर आर्म्स से वो फिर क्या होता है कि एक्टिव होते हैं और वो पॉपअप कर जाते हैं और उससे जो आपको लुक चाहिए वो मिलता है। जनरली जैसे आप रेगुलर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके हमेशा ही आप देखेंगे कि जो वेंस है ज़्यादातर वक्त में आपके पॉप आउट रहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं रोज़ाना या फिर आपका मिस हो रहा है और अचानक ही आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ एंड आई नीड टू लुक गुड, आई मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ तो टी शर्ट में वो वेंस नज़र आने चाहिए, तो फिर आपके लिए सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप कहीं खड़े को भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर गए हैं इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, साइड में जाके ये कर लीजिए, स्ट्रेट और डाउन, स्ट्रेट और डाउन, स्ट्रेट और डाउन। अब जब टर्न हो जाता हूँ फिर आप समझिए, एक तो इस तरफ से स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, फिर अप, स्ट्रेट फिर अप, स्ट्रेट फिर अप, इस तरह से। तो देख रहे हैं पोजीशन आपका है कि ये टी फॉर्मेशन रहेगा और टी फॉर्मेशन के साथ बस आपको ये
करना है और आपको थोड़ी देर में ही ये महसूस होगा खिंचाव, और फोरआर्म पे जो खिंचाव जो महसूस होता है दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मीन्स कि आपके जो मसल्स हैं दे आर वर्किंग और उसके अंदर एक्शन हो रहा है, वो खिंच रहा है। और आप देखेंगे कि आपके जो ये देखिए जो वेंस है वो धीरे धीरे पॉपअप होना या फिर विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था पहला। अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे में भी आपको स्टैंडिंग पोजिशन में रहना है और इसमें आपको पहले आपके पाम्स खुले हुए थे, इसमें आपको मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बना के मुट्ठी जैसे कि आपने शायद कुछ कपड़े पर ऐसे निचोड़ते हैं ना, उसी तरह से इसे मुट्ठी बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपको ऐसे यानी कि इनवर्ड मुट्ठी को पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ करेंगे और स्ट्रेट जब करेंगे तो आपको आपके फोर आर्म्स पे यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा। ऐसे इस तरह से कीजिए। रोटेशन कैसा है देखिए, ऐसे पकड़ के जैसे कि आप किसी को मड़ोर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, ये इस तरह से। अब जब साइड होकर आपको बताता हूँ इससे आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ से नीचे पकड़ के स्क्वीज कीजिए अंदर की तरफ, मतलब आपका इनवर्ट होना चाहिए, आउटवर्ट नहीं होना चाहिए। मुट्ठी को ऐसे बनाइए फिर इनवर्ट कीजिए। साइड चेंज करते हैं, फिर आप देखिए इस तरह से। और इसको भी आप लगभग एक मिनट तक तो करना ही करना है, कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बीच में आप नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे एक मिनट तक आप इसको कीजिए तो आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखेगा अभी और आपको महसूस भी होगा। देखिए जिस तरह से ये वेंस आप देख रहे हैं, ये वेंस आपके इसी तरह से निकल के आएंगे और आपको वो लुक मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, इस तरह से। तो ये दो आपको मैंने बता दिए एक्सरसाइजेस, दो आपको मैंने पोस्चर्स बताए कि इस तरह से आपको करना है। अब अगला, और जो अगला मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो आपको हम व्यायाम बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको इस तरह के एक किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी या बक्से की ज़रूरत होगी। घर के आप में आपके कोई बक्सा रखा हुआ, अगर बक्सा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेबल, कोई एक फर्म कुर्सी हो, स्टूल हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी का भी अभी कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा है वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आप ऐसे स्ट्रेट खड़े होने के बाद दोनों पंजों को यहाँ से रखिए, ऐसे डिस्टेंस बराबर, और पोजीशन लेके आइए। और फिर क्या करना है आपको, धीरे ऐसे प्रेशर देना है, फिर वापस आना है। देखिए कैसे, ऐसे देखिए मेरे पंजों पे मैं आया, पैरों के फिर एड़िया ऊपर ली, फिर वापस एड़िया नीचे जमीन पर मैंने टिका दी। और इसमें क्या हो रहा है, रिस्ट आपका बेंड हो रहा है और प्रेशर आपके सीधे फोर आर्म्स पे आ रहा है। देखिए मेरे एड़ियों के एक बार चेक कीजिए कैसे पंजे ऊपर गए फिर एड़िया नीचे आ गई, ये पोजीशन नीचे आ गई, फिर से ऊपर एड़िया फिर नीचे। अब आप सामने की तरफ आइए और मेरे पाम्स यानी हाथों के पंजे जो हैं उनको देखिए किस तरह से वो उनके ऊपर रिस्ट बेंड हो रहा है, मुड़ जाएंगे इसी तरह से। आपके पाम्स ऐसे ही बिल्कुल फर्म रहेंगे, सिर्फ रिस्ट आपकी आगे पीछे हो रही है। और देखिए सारा का सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, यहाँ पर आपके फोर आर्म्स पे प्रेशर आ रहा है। तो इसको भी एक मिनट तक आप कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप घर में टेबल है, कोई लकड़ी की फर्म कुर्सी है जहाँ पर इस तरह से आप रख सकते हैं हाथ को, या फिर आपको लगता है कि कोई ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप कहीं गिर ना जाए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ जगह, फिर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। अब इस तरफ से देख लीजिए आप, इस साइड से चेक कर लीजिएगा, हाँ फर्म है, उसके बाद वही
इसी तरह से आपको प्रेशर, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल है, इन आउट आउट, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होगी इन और आउट, और इस तरह से आप इस पोजीशन में इस वर्कआउट को कीजिए। और अब रिजल्ट्स की बात आती है, देखिए आपको यहाँ बेंस नजर आ रही है, जो आपका पॉपअप होगा तो इसी तरह से आपके वेंस इसे विजिबल हो जाते हैं। जब आप इसको करेंगे ऐसे तो आपको वेंस नज़र आएंगे, क्योंकि आप जब जैसे तो यहाँ पर क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बोलते हैं ना ठीक टेम्परेचर है, बोलते हैं कूल है, तो इसमें क्या होता है कि तो पॉप अप होने थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे इसको आप कर रहे हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो आपको और जल्दी होगा, जल्दी आपके जो वेंस है पॉपअप करेंगे, क्योंकि इससे पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे पसीना आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बाहर करेंगे तो आप कितना पसीना आ जाएगा आपको। और ये जो आप देख रहे हैं वेंस, इसी तरह से आपके वेंस पॉपअप होंगे, और जो आपको एक रिजल्ट चाहिए, अच्छा लुक चाहिए फोर आर्म्स का वो भी, और साथ ही क्या होता है आपका फोर आर्म्स भी इससे काफ़ी स्ट्रांग बनता है। और इससे आप देखिए आपके जो रिस्ट है, रिस्ट पर भी काफ़ी क्योंकि प्रेशर आता है तो रिस्ट भी आपका स्ट्रांग होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिससे कभी आपको रिस्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी दर्द होने की, तो रिस्ट भी आपका काफ़ी इस पर मजबूत होता है, क्योंकि आपके फोर आर्म्स में जो ये जो वेंस है, ये वेंस आपको नज़र आते हैं, ये देखिए ये जो वेंस आप देख रहे हैं ये पॉपअप हो जाते हैं। और इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो हमने अभी तीन चीज़ें आपको बता दी हैं, तीन चीज़ों के बाद अभी जो मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज आप किसे कहें या फिर दंड कीजिए, क्योंकि दंड बैठक होती है ना योगा में, तो दंड है, और इसमें आपको अपने फिंगर्स के ऊपर आना है, और फिंगर्स के ऊपर आके करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन है कि मतलब कि एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट राइट फिर से लेफ्ट राइट ऐसे होता रहेगा, लेकिन उसमें आपके फिंगर्स, आपके रिस्ट और फोर आर्म्स पर बहुत प्रेशर आता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा एरिया बहुत स्ट्रांग बनता है, मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दंड के पोजीशन में आ जाओ, दंड हम लगाते हैं ना जिसमें हम हाथ ऐसे रखते हैं, पांव को ऐसे ले जाते हैं, यानी पुशअप्स के लिए भी लेते हैं, लेकिन इसमें करना क्या आपको हाथों को ऐसे नहीं रखना, आपको ऐसे ऐसे, और इसमें करना क्या है जैसे आप आ गए तो देखिए आप देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि आपकी उंगलियां ऊपर जाएंगी फिर दूसरी बार ये नीचे आएंगी, मतलब इस हाथ की उंगलियां ऊपर गई तब ये नीचे है, जब ये नीचे जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो अप डाउन करके ये सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पहले सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जब ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, इस तरह से लेफ्ट और राइट, लेकिन इससे क्या होता है ये जो फोर आर्म्स में बहुत प्रेशर आता है। अब मैं साइड से करके आपको दिखाता हूँ, ठीक वैसे ही पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद 1 2 इस पोजीशन पे किया हमने, फिर आपको एक और पोजीशन से दिखाता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, 360 डिग्री तो नहीं लेकिन 180 डिग्री समझ में आ जाएगा कि आपके पोजीशंस कैसे होने चाहिए। और आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, तो मत कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा, इससे थोड़ा सा इजी होगा और लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। ऐसे पोजिशन पर आ गए, तो मैंने आपको 180 डिग्री से समझा दिया कि ये वाला आपको कैसे करना है जिसमें आपके फिंगर्स पे सबसे ज़्यादा असर आता है, और साथ ही लेकिन पॉपअप भी होता है। देखिए वेंस अगर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल पॉपअप हो जाएंगे, आप एसी में भी होंगे तो भी आपके वेंस पॉपअप रहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें गर्माहट आ जाती है, फोर आर्म्स में बहुत ज़्यादा इधर एक्टिव हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी
आखिरी पोजीशन कह लीजिए, आखिरी दंड बोल लीजिए, एक्सरसाइज बोल लीजिए उसकी तरफ, जिसमें आपको करना क्या है, पोजीशन पे आ जाइए इसी तरह से, नील डाउन हो जाइए इस तरह से। उसके बाद इस पोजीशन पे आके जो पाँव हैं, पाँव को ऐसे पीछे रखना, ये घुटने ऐसे टिके रहेंगे, और मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी बना के इस तरह से पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप करते हैं अपने दंड लगाते हैं, यानी कि पुशअप्स करते हैं, तो उसमें सारा प्रेशर आपके हाथों में होगा, फोर आर्म्स पे होगा, मुट्ठी में होगा, लेकिन पीछे आपके पाँव में नहीं होगा। पाँव में अगर होगा तो इधर प्रेशर ज़्यादा नहीं, तो सारा प्रेशर जो आएगा इधर इस वक्त फोर आर्म्स पे है, और आपको इसमें इस तरह से पुशअप लगा लें, पुश एंड अप। इस तरह से तो आप देखेंगे कि आपके जो वेंस है वो पॉपअप होंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी टाइट महसूस होगा क्योंकि वर्कआउट पूरा जो हो रहा है, और फोर आर्म्स पे आपके जो स्ट्रेंथ है और बढ़ेगा आपको महसूस होगा, और साथ में आपके जो फीस्ट है, यानी कि ये जो आपके पाम्स है, पंजे हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ख़ासतौर पर जो आपकी फीस्ट है, यानी जो मुक्का है, हाँ कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हिंसा से दूरी रहनी चाहिए। अब मैं आपको साइड चेंज करके बताता हूँ, तो साइड चेंज करने से आप उसके पॉस्चर को ज़रा समझ पाएंगे कैसे करते हैं। पाँव को ऐसे रख लीजिए पोजीशन, और फिर से नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है दंड करते वक्त, पुशअप्स करते वक्त, वही रखिए। इसमें भी सारे आपको जितने भी बताए हैं एक्सरसाइजेस, उसमें एक मिनट तक कीजिए, और टाइम के हिसाब से एक मिनट तक कीजिए, तो आप देखेंगे, ये देखिए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नज़र भी आ रही होंगी कितना असर होता है। एक और साइड चेंज, लेफ्ट राइट फ्रंट, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पोजीशन रखना है। इसमें भी ऐसे आ जाइए, फीस्ट को अपने मुट्ठी बनाकर बुक्के को ऐसा ज़मीन पर रखिए, और फिर से पुशअप्स। स्टे धीरे धीरे करेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर आएगा, जल्दी करेंगे तो कम आएगा। और देखिए आपके कुछ एक लैप से ही आपको ये पूरा यहाँ पर पॉपअप नजर आने लगेगा, ये आपको पॉपअप जो पॉपिंग होती है आपकी पूरे इस तरह से नसें फूल जाती हैं, और जिसके बाद आप टी शर्ट्स पहनेंगे तो टी शर्ट पहनने पे आपके जो आर्म्स हैं, फोर आर्म हैं, वो देखने में विज अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ आजकल क्रेज़ भी है इसका, इसलिए आप देखते हैं कि लोग जो जिम जाते हैं, लेकिन कई बार आप जिम में जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं, लेकिन फोर आर्म्स में या फिर जो वेंस की हम बात करते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, उसके लिए अलग वर्कआउट्स होते हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर आर्म्स में अगर आपको ये पॉपअप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप इनको कीजिए, और गर्मियों का मौसम है, बाहर जाइए, हाफ स्लीव्स के टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, और अपने अच्छे, अगर आपके चौड़े फोर आर्म्स हैं तो जस्ट बी हैप्पी टू शो इट टू द वर्ल्ड। और साथ ही साथ देखिए जो भी आपको वर्कआउट बताया है, इससे आपके फ़ायदे मैंने बता दिए कि फोर आर्म स्ट्रांग हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर आर्म स्ट्रांग होना, आपके रिस्ट स्ट्रांग होगी, आपके पाम्स जो है ये स्ट्रांग होंगे, तो इसके दोनों फ़ायदे हैं, यानी फोर आर्म्स का भी फ़ायदा है, रिस्ट का भी फ़ायदा है, और आपके पंजों का भी फ़ायदा है, जो आप इन पांचों वर्कआउट को करके उठा सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार हमारे साथ आप बने रहें, देखते रहिए हमारा शो, और साथ ही अपने आप को भी फिट रखिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनको भी बताइए, वो भी देखें, और वो भी फिट और स्ट्रांग रहे अपनी ज़िंदगी में।
बाय, टेक केयर।